अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। समस्त हिंदू जनों के द्वारा आतिशबाजी की गई एवं मिठाई वितरण की गई है एवं माननीय मोदी जी को और कोर्ट को धन्यवाद दिया। किस तरह का निर्णय है जी? किस तरह का निर्णय है? कोर्ट का निर्णय यह आया है कि हिंदुओं के पक्ष में आया है कि एक सप्ताह में वहाँ पूजन के लिए अनुमति मिल गई। क्या मानते हैं इसके बाद क्या रहेगा? समग्र हिंदू समाज में जो चेतना आई है और वर्षों से हमारी जो एक लड़ाई चली आ रही थी उसमें हमारी विजय हुई है।
जय। आपका नाम? दिनेश श्रीवास। हर हर महादेव। हर महादेव। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने जन्मभूमि के मंदिर में विराजमान हुए हैं और हमने उसी समय बोला था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है, राम राज्य की ओर बढ़ते कदम है। आज कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में भी फैसला दिया है, निश्चित रूप से वो एक उसी ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। हमारे सभी सनातनी बंधुओं ने ज्ञानवापी के जो मंदिर में पूजा करने का अधिकार, पुजारी नियुक्त करने का अधिकार कोर्ट ने आदेशित किया है, उसका हम सबने स्वागत किया है। यहाँ पर भारी आतिशबाजी करके उस खुशी का इजहार किया है और प्रभु भोलेनाथ एक बार पुनः उस काशी विश्वनाथ के भव्य मंदिर में विराजमान जो हैं उनके साथ नंदी महाराज भी विराजमान होंगे, ऐसा हम सबकी अपेक्षा है। निश्चित रूप से हम उस पर आगे कदम बढ़ाए। राजेश यादव, अध्यक्ष देवास विधानसभा। आज हमारे यहाँ